और अब आपको बताएं, बारिशों के बाइस बसीदा इमारतें मकीनों के लिए खतरा बन गई हैं। इंतजामिया खतरनाक इमारतों के हवाले से फैसला साजी ना कर सकी। बसीदा इमारतों में मकीन हजारों अफराद की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। शहर की मखदूश इमारतों को खाली कराने का अमल सिर्फ कागजात की हद तक महदूद हो गया है। 234 खतरनाक इमारतों में से एक भी खाली ना कराने का इंकशाफ हुआ है। आपको बताएं कि बारिशों के बायस बोसीदा इमारतें मकीनों के लिए ख़तरा बन चुकी हैं। इंतजामिया खतरनाक इमारतों के हवाले से फैसला साजी नहीं कर सकी। बोसीदा इमारतों में मकीन हज़ारों अफराद की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं, जबकि शहर की मखदूश इमारतों को खाली कराने का अमल सिर्फ कागजात की हद तक महदूद रह चुका है। 234 खतरनाक इमारतों में से एक भी खाली नहीं करवाई जा सकी। बारिशों के बायस बोसीदा इमारतें मकीनों के लिए खतरा बन गई हैं। इंतजामिया खतरनाक इमारतों के हवाले से फैसला साजी नहीं कर सकी। इमरान अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, इमरान अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर में सरकारी दर्दशुमार के मुताबिक 234 इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी हैं, जिसमें 234 खतरनाक इमारतों में से एक भी खाली ना करने का इंकशाफ हुआ है। इस वाले से इंतजामी रिपोर्ट अगर देखी जाए तो शहर में 66 सत्ता हाल इमारतों का इंकशाफ हुआ है। शहर की महदूश इमारतों को खाली कराने का अमल सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद है। इस वाले से अगर देखा जाए तो महदूश इमारतों की मकीनों और मालकान 2023 का हाल नोटिस जारी नहीं किए जा सके, ना ही इनके घरों के बाहर रेड निशान लग सका है। महदूश इमारतों में मुकीम हजारों शहरियों की जिंदगियों जो है वो इस पर दाव पर लगी हुई है। इस वजह से अगर देखा जाए तो दाताकर मजून में 145 महदूश इमारतें हैं, 59 इमारतों की बहाली दरकार है, जबकि 9 इमारतें रहाइश के काबिल नहीं है, लेकिन वहाँ पे शहरी अभी भी मुकीम है। इसी तरह शालाबाद जून में 20 जबकि अजीज भट्टी जून में 10 खतरनाक इमारतों की निशानदेही हुई है। इस्लामाबाद जून में 6, रावी जून और इस्लामाबाद जून में 20 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई है। शहर में इस वक्त अगर देखा जाए तो 2022 में मानसून में बसीदा इमारतों की जतह के लिए।